हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें हम आपके सामने इतना बढ़िया नॉलेज अलग अलग लोगों से लेकर के आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा और बहुत सारा कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आप लोगों को आगे बढ़ने में कई सारे जो ग्लिचेस आते हैं वो इन बड़े लोगों की बातें सुन करके इन्होंने कैसे अपनी सक्सेस को हासिल किया है इस चीज को लेकर के हम लोग आपके सामने जो सीरीज लेके आ रहे हैं, हमारी सीरीज एल विथ आई है, लर्निंग विथ आई। अपने आप से हम कैसे सीखते हैं, अपने आप को हम कैसे जानते हैं, अपने आप को हम कैसे पहचानते हैं, वो सीरीज को लेकर के हम आ रहे हैं। और हम जिन भी सेलिब्रिटीज को आज अपने सामने या इस सीरीज में अपने सामने लेकर के आएंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री से, उनके लाइफ प्रोसेस से, उनके जो जीवन की यात्रा है उससे हम लोग सीखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने आप को इतना सक्सेस किया है और इतने टॉप पर आकर के वो लोग कैसा फील कर रहे हैं और उन इस सब के पीछे किसने उनको इंस्पायर किया है, किस तरीके से कितने सारे हर्डल्स को पार करके वो इस रेस को जीत पाए हैं और अपनी इस यात्रा में इतनी सफलता पूर्वक टॉप पे आए हैं, और उन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, कितने लोगों को मोटिवेट किया है और कितने लोगों को बहुत सारा रास्ता दिखाया है चलने के लिए, ये हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने इस सीरीज में जिसका नाम है लर्निंग विथ आई, फेलियर टू सक्सेस। किस तरीके से एक रास्ता आप लोगों के लिए, हमारे लिए, इन लोगों ने बना दिया है जिसमें हमें चलने में आसानी रहेगी। इन्होंने चलते हुए वो सारे कांटे हमारे रास्ते में से हटा दिए हैं जो हमें तकलीफ दे सकते थे। तो इन लोगों के पदचिन्हों पर चलकर हम सक्सेस पा सकते हैं, इसलिए हम इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा अपने आप को जानने का। सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट सीरीज विथ फर्स्ट सेलिब्रिटी। हमारे बीच में, हमारे साथ में आज मौजूद हैं मिस्टर संपत पटेल, जो ऑन पैसिव के बहुत बड़े लीडर हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। नमस्ते संपत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। पहले तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैम। लर्निंग विद आई और फेलियर टू सक्सेस जो आपने ये सीरीज स्टार्ट की, और सबसे मैं अपने आप को इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहा कि आपने मुझे आपके इस फर्स्ट शो में मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच मैम। तो संपत भाई, आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, बड़ों को भी मोटिवेशन मिलता है, हर फील्ड के लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और हम ये चाहते हैं कि आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने जिस तरीके से अपने आप को इतना हाइट पे लाया है, इतना बुलंदियों पे अपने आप को पहुंचाया है, तो उसमें आपकी जो सक्सेस जर्नी है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, ताकि हमारे व्यूअर्स को वो सब कुछ सुनने को मिले जिससे वो आपके लेवल तक पहुंचने का कारण बन सके और वो इंस्पायर हो सके और हमारे यूथ को सबसे ज्यादा ये महसूस हो कि अगर आपके इस जर्नी में कुछ तो भी उनको 1% भी सीखने को मिला तो हमारा ये सीरीज सक्सेस हो जाएगा। सो थैंक यू संपत भाई, आपने हमें बहुत अपना कीमती समय इस समय निकाल करके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने का मतलब महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के हमें गौरवान्वित किया। तो आज हम आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस लेकर के आपकी सक्सेस जर्नी को, जो आप अपने आप से ही बता सकते हैं और आपने अपने आप को किस तरीके से इस लेवल तक लाया है, इसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका पर्सनल प्रोफाइल क्या, नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस एरिया में आप पले बड़े, कहाँ आपने पढ़ाई किया, ये एक छोटी सी आपकी स्टोरी अगर आप बताएं तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और स्पेशली आयरन लेडी रेखा जी आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लाइक समझा। यस,
अगर मेरी स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हैं या मेरे पूरी मतलब इस ऑन पैसिव जर्नी के बारे में, हालांकि इसके बारे में बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा शॉर्ट रखे क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच। पहले तो मैं माई सेल्फ संपत पटेल फ्रॉम सूरत, मैं सूरत में रहता हूँ मैम, और बेसिकली मैं एक फार्मर किसान का बेटा हूँ और मैं राजस्थान के पाली जिले का निवासी हूँ और हमारी तहसील जिसका नाम है जेतारन तहसील पड़ती है, उसके बगल में एक छोटा सा कस्बा है और मेरे पिताजी एक फार्मर है और हमारे यहाँ गांव में दो फार्म हाउस है जिसमें एक में पानी है और एक में पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से हमें मतलब गांव छोड़ के, हालांकि मैंने MDS यूनिवर्सिटी से MA भी किया है और अच्छी खासी डिग्री हासिल की है, और इसके साथ जैसे ही हमें कमाने का मौका मिला तो गांव में इतनी हमें स्कोप नहीं दिखा, तो मैं सीधा सूरत आ गया। और सूरत मेरे एक मतलब जीजा थे, उनको थोड़ा सा नॉलेज था कपड़े का, तो हमने डायरेक्ट सूरत में आके एक रिटेल शोरूम किया था कपड़े का। उसके बाद मेरी जर्नी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, वो मैंने शॉप मेरे भाई को दे दी, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, इलेक्ट्रिक में भी मैंने अच्छा खासा मतलब मुकाम हासिल किया। तभी मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है देवराम जी, जो कि वो भी हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी वजह से मुझे कुछ MLM में आने का मौका मिला, वो मेरे फर्स्ट गुरु कह सकते हैं। ये बात है लगभग 10-12-13 साल पहले की, जिसमें मुझे मतलब कई सारी कंपनियों में मतलब ज्वाइन करने का मौका मिला। हालांकि रेखा जी इस मेरी जर्नी में मैं बताऊंगा, मैंने बहुत सारी कंपनियों में कमाया भी था, लेकिन मेरी वजह से मैं बता रहा हूँ, कई लोगों को मतलब लॉस भी हुआ। होता क्या होता कि MLM में हम तो कमा लेते हैं, लेकिन जो हमारी टीम्स होती है वो लॉस कर जाती है। तो मैं ये इंडियन कम्युनिटी यानी इंडियन जो भी कंपनी थी उनसे थक हार के मैंने सब ये लीव कर दिया था, छोड़ दिया था, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे MLM हो, चाहे प्रोडक्ट बेस हो, जो भी हो, क्योंकि मेरी मुझे ये बात कहीं ना कहीं अटकती थी कि मेरी वजह से किसी का लॉस हो ये ठीक नहीं रहता। तो मैंने फाइनली ये छोड़ के जब मैं मेरे बिजनेस पे ध्यान देने लगा, तो अचानक मेरा क्या था मतलब राजस्थान में जाना हुआ था और इस बीच में कोरोना का भी पीरियड आ गया था, आपको पता है, तो 2019-20 की बात है। 19 में मैं ऑन पैसिव में आया था और 2020 में आई थिंक कोरोना की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां एक मेरे साथ 2020 में एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली एक्सीडेंट ये हुआ था कि उससे पहले मैं कुछ कंपनियों में इतना भयंकर लॉस झेल चुका था कि मेरी आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पतली हो चुकी थी। इस वजह से मैंने MLM क्रिप्टो वगैरह से सबसे छोड़ के एक ही डिसीजन लिया था कि अब इन फ्यूचर हमें कोई फॉरेन कंपनी जो बेस्ट होगी उसी को ही करना है, इंडियन कंपनी को, क्योंकि आपको पता पिछला 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए इंडिया का, स्पेशली इंडिया का, तो बहुत सारी कंपनियों ने मतलब ये MLM इंडस्ट्री का इतना नाम खराब कर दिया है कि कोई भी इस फील्ड में जाना नहीं चाहता है, चाहे आप MLM इंडस्ट्री क्रिप्टो की कह लो या नेटवर्क मार्केटिंग कह लो। तो मैं भी उस राह पर था, तो फाइनली 2020 में जब कोरोना हुआ था तो मेरे एक पड़ोस में एक पंडित जी रहा करते थे, उनकी एक बेटी थी और एक लड़का था, और वो हाथ थैला लगाते थे जिसको मतलब थैला चला के मतलब छोटा मोटा गुजर करते थे, और कोरोना का एक ऐसा पीरियड है जिसमें तो फाइनली मतलब एक दिन 2-3 हजार रुपए की ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी थी, तो उन्होंने मुझे डिमांड किया था 3 हजार रुपए, उनकी परिवार में कुछ जरूरी सामान लाना था जैसे गेहूं वगैरह या रोजमर्रा खाने की वस्तु वगैरह। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, वो 3 हजार में पेड नहीं कर पाया था। इस वजह से दूसरे दिन जब मैं हालांकि मेरे पास भी पैसा उस टाइम नहीं था रेखा जी, लेकिन ये हालत ने मुझे इस एक्सीडेंट ने मुझे अंदर की तरफ से इतना झकझोर दिया था कि इसको आप पूरा सुनेंगे। तो जब दूसरे दिन मुझे पता चला कि उस पंडित जी ने मतलब पंखे के नीचे ये मतलब फंदा लटका कर अपने आप की जान दे दी थी मात्र 3 हजार रुपए के, ये मुझे अपने आप में वाकई में बहुत ही एक्सीडेंट, आज भी मुझे जब मैं रात में मतलब कभी नींद जग जाती है और ये याद आ जाता कि एक मात्र 3 हजार की वजह से एक
मतलब एक पंडित था पैसे और बहुत सीधा आदमी था, उसने अपनी जान गंवा दी थी मात्र 3,000 के लिए। ये अपने आप को मुझे बहुत बुरा लगा था, तब मैंने वहां से प्रण लिया था चला गया। हाँ, जिंदगी में अपने आप को मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इतना जूझूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस ह्यूमनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस करने के ही रास्ते से अचानक मेरे पास, उससे पहले हालांकि ऑन पैसिव मेरे पास आ चुका था, उससे ठीक 2 या 3 महीने पहले ही आ चुका था। जब मैं राजस्थान में था तो मेरे अप्लाई ने, उनका नाम है मतलब रंजीत सैनी है, जो कि होशियारपुर मतलब पंजाब से हैं। मेरी एक आदत, एक अच्छी एक आदत ये रहती है रेखा जी, कोई भी जब हम नेटवर्किंग करते थे, जैसे आपने कोई मुझे लिंक दिया तो मैं ज्यादा सोचता नहीं था, रजिस्ट्रेशन कर देता था। मेरी एक अच्छी, हाँ इन्वेस्टमेंट करो या नहीं करो वो एक अलग मैटर हो जाता, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन अक्सर कर लिया करता, ये एक शौक भी रहता था, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। लेकिन उसमें जब 7,000 ऐसा कुछ उसका अमाउंट था फर्स्ट टाइम, उस टाइम GST नहीं लगता था और बैंगलोर ऑफिस था, 2019 की ये बात है। तो मैंने रंजीत जी को बोला, सर आप इसको टॉपअप कर लीजिए, जो हम एक कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे उसमें से कुछ डॉलर पड़े थे, मैंने बोला आप उनको बेच के, मेरे पास पैसा अभी अमाउंट है नहीं सर, आप कैसे भी करके टॉपअप कर लीजिए। तो उन्होंने, थैंक्स टू रंजीत सैनी जी, इन्होंने मेरे जो डॉलर पड़े थे कैसे भी करके उनको कैश आउट किया और मतलब मेरी ID को टॉपअप की। और वहां से आपको पता है रेखा जी, जब तक हमारी जेब से खर्चा नहीं होता है हम ऑफिशियली कोई भी कंसेप्ट को दिमाग से या दिल से नहीं लेते या ध्यान नहीं देते। वहां से मेरा जब से एग्जैक्टली खर्चा हुआ तो मुझे पता चला, फिर मैंने धीरे 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 यहाँ से मेरा सफर स्टार्ट किया। और उस टाइम ऑन पैसिव को लेके ना तो कोई वीडियोस थे, ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट थी, कुछ भी नहीं था देखने के लिए, मात्र माइक एलिस के कुछ इंग्लिश के वीडियोस थे यूट्यूब के ऊपर, या यू कह लीजिए कि ऑन पैसिव बिल मस्ट के नाम से एक फेसबुक पे ग्रुप था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि जब ऑन पैसिव के बिल मस्ट ग्रुप है, जहाँ पे फातवा सनो है या लिज लेरी अमेरिका से है, ये सब मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे हर एक लीडर से अच्छी खासी मतलब पहचान बनी है और वो मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड भी है और उनके पास मेरे कॉल्स भी आते रहते हैं। तो मैं जब देखता था फेसबुक पे, तो जैसे उस बिल मस्ट के ग्रुप में कोई भी कुछ पोस्ट डाली जाती थी, तो आपको पता रहेगा जी, अगर मैं फेसबुक पे कुछ भी डालता हूँ तो अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो उसमें से 80 कमेंट हो सकता है मेरे फेवर में हो, लेकिन 20 कमेंट्स नेगेटिव आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो ऑन पैसिव बिल मस्ट के जो फेसबुक ग्रुप थे उसमें ऑन पैसिव को लेके एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं रहा था, नहीं मतलब आ रहा था। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, मैं बोला यार ये कंसेप्ट कुछ है जिसमें हम लक्ष्य लेके आए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और वहां से मेरी जर्नी में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव चेंज होता है और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। और 2019 से रेखा जी मैं सिर्फ और सिर्फ आज तक ऑन पैसिव सिर्फ ऑन पैसिव में लगा हुआ। यस ओके संपत भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी अच्छी सारी बातें बताई हमें, और उसमें कुछ हर्डल्स भी थे आपके, कुछ दुख भरी दास्ता भी थी जिसमें आप एक छोटे से फाइनेंस की वजह से किसी व्यक्ति को जान देना रहा। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है लाइफ में, एक यूटर्न वहीं से आता है। जब तक हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती या हमें कोई ऐसा लाइफ चैलेंज नहीं मिलता है, तब तक हम सीरियस नहीं होते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और आपने वो टाइम पे एक डिसीजन लिया, एक प्रण लिया कि फाइनेंस की वजह से आप किसी तरह का कोई लॉस अब आगे नहीं लेंगे और एक स्ट्रांग पोजिशन बिल्ड करेंगे। तो संपत भाई, अब मैं जानना चाहती हूँ कि अब आप जब सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव कर रहे हैं, तो क्या पैशन है आपका इसको लेकर के, और आप किस हद तक इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके आप स्वयं में इसको किस तरीके से लागू करके और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैम इसके पैशन की बात करो तो मैं क्या बताऊं, मैं मिस्टर एस मोपरा जी के पैशन से या उनके काम करने के तरीके से, हॉबीज या वो क्या करना चाहते हैं या इस कम्युनिटी को वो क्या देना चाहते हैं, उनकी सोच से मैं बहुत मतलब इंस्पायर हुआ हूँ। और उनकी सोच है कि ह्यूमैनिटी को कैसे अपलिफ्ट किया जाए,
और सबसे अच्छी बात मुझे इस कंपनी में ये लगी रेखा जी, आज तक मैंने देखिए 15 साल के हिस्ट्री में बहुत सारी वेबसाइट देखी, बहुत सारे कंपनी के सीईओ से पर्सनल मिला हूँ, और ऐसे ऐसी कंपनी में मैंने देखा है अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया होता हो तो सीईओ मुझे पर्सनली इनवाइट करता है और उसके साथ फोटोज वीडियो शूट होते हैं और मेरी वही फोटो मतलब पत्रिका न्यूज न्यूज वगैरह में शो होती है। लेकिन यहाँ पर सभी को एक इक्वल नजरों से देखा जाता है, यानी आप बड़े लीडर है नो डाउट तो भी आप सेम है, मैं कुछ भी नहीं हूं तो भी मैं सेम हूं। जैसे यू आप यू समझ लीजिए कि घुसमिंदर ढिल्लन सर जो कि हमारे इंस्पायर रह चुके हैं, इतने बड़े लीडर है, जसवंत सिंह जी इतने बड़े लीडर है, या एक रेखा मेहतिया जी छोटी लीडर है, फिर भी मिस्टर एस मोपरा जी के सामने हम सबको एक नजर से देखा जाता है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, समझने वाले के लिए ये हो सकता छोटी है लेकिन मेरे लिए, क्योंकि हमने और आपने भी, आप नेटवर्क मार्केटिंग के इस फील्ड में रह चुकी है, आपको पता है मतलब कितना क्या होता है, अगर थोड़ा सा कोई भी नेटवर्कर अच्छा काम कर लेता तो वो एक हीरो बन जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबको सभी को बराबर दृष्टि से देखा जाता है, ये बात हमेशा से इंस्पायर करती रहती है। यस मैम, ओके डन। तो जब आप इंस्पायर होते हैं, आप मिस्टर ऐश से इंस्पायर हुए, इसके अलावा आप ऑनपेसी में आप काफी सारे लीडर्स से भी इंस्पायर हुए, आपकी फैमिली में आपको कितना सपोर्ट इस पर्टिकुलर पैशन को लेकर के जो ऑनपेसिव के प्रति आपका है, उसमें आपकी फैमिली के क्या व्यूज हैं, वो आपको कितना, आपकी फैमिली एज वेल आपके फ्रेंड्स, क्या वो आपको इसमें सपोर्ट करते हैं या कुछ नेगेटिव भी हैं, क्या आपको महसूस होता है? बहुत अच्छी बात बताई मैंने आपको, मेरी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया था कि मैंने मतलब जब ऑन पैसिव में शुरुआत की थी उससे पहले मैं कई कंपनियों में लॉस खा चुका था, टूट चुका था, बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल लॉस हो चुका था, तो इस वजह से मैं, या यू कह लीजिए कि उस टाइम उस दौर में बहुत सारी इंडिया में ऐसी एमएलएम कंपनी आई जिन्होंने लोगों को बहुत ही फ्रॉड किया था, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो अगर मैं मेरे गांव की बात करूं, मैं मेरे गांव में बड़ी मुश्किल से मैं 1 या 2% को मतलब जोड़ पाया हूं, ये मेरे लिए बहुत मतलब तकलीफ वाली बात कह सकते, क्योंकि बिलीव नहीं लोगों को, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं, या यू कह लीजिए मेरे फैमिली का भी सेम रवैया, हालांकि मेरी 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है और मेरे बच्चे सभी एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं, मेरा बेटा ऑन पेशियो को लेके बहुत एक्टिव रहता है, एक्साइटमेंट में रहता है, हालांकि मेरे बच्चे वो ज्यादा इतना बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि उनको इसका विजन का पता नहीं है, ठीक है। लेकिन सेम स्टोरी मेरे गांव की रही है, लेकिन मैं अपने आप को कभी कभी गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि राजस्थान, क्या राजस्थान जैसे एक छोटे से गांव जहां भीलवाड़ा जैसा जिला जो कि आपने सुना होगा, वहां जहाजपुर तहसील में जमोली गांव है जहाँ के लगभग 200 फार्मर्स जिनको मैं ओन पेशी में लाने में सफलता हासिल की है, थैंक्स टू उसके अपलाइंट सूरज जी जो कि अजमेर से बिलोंग करते हैं, आप मिल भी चुके हैं सूरज जी से, और भी काफी लोग हैं जिनकी अथक प्रयासों की वजह से हमने वहां पे फिजिकल वहां पे 2 से 3 इवेंट भी किए हैं, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन लोगों को कभी भी ऑन पेशियों को लेके एक भी सवाल नहीं रहता है, वाकई में माइंड ब्लोइंग, और सभी फार्मर है, हालांकि वहां के कुछ टीचर्स है वो भी है, तहसीलदार है वो भी है, ग्राम सेवक है वो भी, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेके चाहे मतलब किसान हो चाहे प्राइवेट जॉब करता, सभी फाउंडर है, तो ये बहुत बड़ी बात में, और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा संकेत कह सकते हैं कि एक राजस्थान का इतना, जिनको हमेशा से ये इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि पिछड़ा राज्य, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजस्थान आज नंबर 1 पे है। यस मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी बात बोली, राजस्थान टॉप पे है, इट्स गुड फॉर अस कि हम राजस्थान के हैं, लेकिन इंडिया को लेकर के हाथ में चलते हैं, तो देखा जाए तो आपने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत एफर्ट्स किए, बहुत सारे लोगों को अपने आप आपने अपनी टीम में कन्वर्ट किया, लाइक आपके साथ उनको लाए आप, और उनको वो विजन दिया जो आप खुद देख रहे थे। ठीक है, अब इस पूरी जर्नी में आपने काफी सारे लोगों को तो मोटिवेट किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, किसी ने हाँ बोला होगा, किसी ने मना किया होगा,
और आपको बुरा भी लगा होगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो संपत भाई ऐसा बताइए कि ये सब चीज करते हुए आप पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं और कैसे पैशनेट रखते हैं इस कार्य को करने के लिए, और कैसे आप इस चीज को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि हाँ यस मैं मतलब कभी भी डल नहीं होऊंगा या थोड़ा बहुत भी हल्का सा भी इस पे कोई वो इफेक्ट नहीं आने दूंगा और मेरे मोटिवेशन में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं ताकि वो भी आप की तरह अपना मजबूती के साथ किसी भी फील्ड में डटे रहे। मेरा मानना है अगर आप कोई भी काम करो ना, आप एक तो पहला सबसे पहले उसको शिद्दत से करिए, जो भी काम कर ले। ऐसा नहीं है, मैं ऑन पेसिव की बात नहीं करूंगा, आप कोई भी प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं तो उसको शिद्दत से करिए। सबसे पहला आपका ये चरित्र अपने आप में होना चाहिए। और दूसरा, लोग क्या करते हैं आजकल, यूट्यूबर मतलब यूट्यूब पे ज्यादा बिलीव करते हैं या दूसरी कहीं 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 सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। जैसा कि हम ऑन पेसिव में सभी फैमिली को ये बताते हैं कि आपको सिर्फ हमारे बैक ऑफिस पे फोकस करना। अब छोटा मोटा भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर हो जाता तो लोग तुरंत मतलब आवेश में आके उसको तो शेयर करने लग जाते हैं या उस पर कमेंट करने लग जाते हैं। जब वो नई चीजें होती है तो उनको अपने आप में तकलीफ होती है। ओके, तो जैसे कल की बात बताऊं, जो ओ वेरीफाई के पीडीएफ का जो किसी स्क्रीनशॉट लेके किसी ने शेयर कर दिया तो उनको ऐसा लगा कि ओ यस में मतलब ओ वेरीफाई आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट और हुआ जिसमें किसी ने ओ ड्रीम का मतलब प्ले स्टोर के ऊपर बताया कि एप्लीकेशन है तो लोगों ने उसको भी शेयर करना चालू कर दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपका विजन बड़ा है, तो आप सामने वाला क्या कह रहा है उसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना। आप खुद एक वो इंसान है जिसमें आप में वो क्षमता है, यू कैन डू इट। आप पत्थर का सीना चीर सकते हो और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे अब मैं मेरी बात बताता हूँ रेखा जी, मुझे इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है, हालांकि मैंने एमए किया है, लेकिन मैं हर एक इंटरनेशनल मीटिंग्स में रहता हूँ, आपने देखा भी होगा। मैं चाहे मतलब कोई भी लीन नाकामोतो की मीटिंग हो या अपने रेड रेपरन की मीटिंग हो या बहुत सारे इन्विटेशन भी मिलता है मुझे फॉरेनर से, और मैं वहां बोलने की भी कोशिश करता। तो मेरा मानना यह है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, पहला। तीसरी बात यह है कि आप मान के चलो, जैसे आप अभी ये लाइव कर रहे हैं, मैं अगर ये सोचूंगा कि रेखा जी क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है, आप उनके भरोसे पे अपना करियर खराब नहीं कर सकते। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वही बेस्ट है आपके लिए, वही आपकी दुनिया है और वहीं से आपकी सफलता की कुंजी मतलब आपका फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं स्टार्ट होता है, यानी अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए। यस करेक्ट, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और सेल्फ पे ज्यादा फोकस करते हैं, लोग क्या कहते हैं, इधर क्या कहेंगे उधर क्या कहेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आपके आस पड़ोस साथी भी क्या कहेंगे उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज द मेन पॉइंट कि आप इस चीज में पूरी तरह से बिलीव करते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है, आप स्वयं जो चाहते हैं उसी में आपको बहुत खुशी मिलती है और वही आपको मोटिवेट रखने के लिए काफी है। तो संपत भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपके आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जान करके। अभी मुझे ये बताइए कि फ्यूचर गोल आपका क्या है, ऑन पैसिव को लेकर के जो है वो तो है ही, बट आप अपने आप को अभी कहाँ देख रहे हैं एज ए, आफ्टर 2 ईयर्स में भी, आफ्टर 3 ईयर्स कहाँ आप अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं, कितने लोगों से घिरा पा रहे हैं या किस ऊंचाइयों पे आप अपने आप को देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताने का प्लीज प्रयास करें। देखिए, फ्यूचर को अगर लेके प्लानिंग की बात की जाए तो मैंने इतना कोई खास सोचा नहीं है, लेकिन मेरा एक जो लक्ष्य है या यूं कह लीजिए कि मेरा विजन है, मैं पहले तो मैं मेरे खुद के बारे में बता देता हूँ रेखा जी। आपको पता है राजस्थान में कुछ कुरीतियां चलती है या रूढ़िवादिता चलती है या कुछ यूं कह लीजिए कि नशा प्रवृत्ति की भी वहां पे ज्यादा है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि अगर पहले तो मैं जिस दिन ऑन पैसिव में सक्सेस हो जाता हूँ तो उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा होगा जो आज हमारे बारे में या आपके बारे में या ऑन पैसिव को लेके जो अपने कमेंट करते हैं,
और दूसरा मेरा विजन यही रहेगा कि जो हमारे गांव में कुरीतियां फैली हुई है उनको हमें कैसे निवारण करना है, क्योंकि ये सब करने के लिए एक तो बड़ी कम्युनिटी की जरूरत होती है। ओके, जैसे अगर वैसे, हालांकि ये आपके मंच पे बात करना ठीक नहीं रहता, लेकिन आपने देखा स्पेशली आप राजस्थान के मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो आपको पता वहाँ के शादी ब्याह के मामले में कैसा होता है, जैसे मतलब कुछ अफीम वगैरह चलती है, तो ये ऐसी घटिया चीजें हैं जो कुरीतियां कह सकते हैं, इनका हमें कैसे भी करके आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल का कंपेन चलाना, और इस कंपेनिंग को चलाने के लिए बड़ी कम्युनिटी की जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे ऑन पैसिव में 14 लाख की कम्युनिटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मेरे पास देखिए ऑन पैसिव रॉयल के नाम से 1 लाख लोगों का मतलब एक ग्रुप है, मेरे पास जी व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 20 से 25 हजार लोग ज्वाइन है, मेरे खुद के फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाके देखिए 17-18 हजार लोग है, मेरे पास टेलीग्राम में बहुत सारे लोग, तो ये कम्युनिटी ऑन पैसिव ने हमें दी है। तो मुझे ये लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इस दुनिया में हमारे आने के लिए पैसा, नो डाउट आप भी कमाते हैं, ऑन पैसिव नहीं भी रहेगा तो भी हमारे ऊपर वाले की इतनी दया है कि हम कैसे भी करके अपना भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन भरण पोषण करना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक जानवर भी होता है वो भी कमा के मतलब खा के अपना पेट भरता है, और भगवान ने सबको मतलब वो शादी कहावत है कि चोर दिया तो चुगा भी देता, लेकिन आपके इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये कुरीतियां है, रूढ़िवादिता है, इनको कहीं कहीं समाप्त करना है, और इसके लिए हमें बड़ी कम्युनिटी की जरूरत होती है, और वो ऑन पैसिव से मिलने वाली है। यस मैम, बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि यहाँ तो अफीम की खेती भी होती है और अफीम सर्व भी किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे सर्व किया जाता है, हर शादी ब्याह फंक्शन में राजस्थान में अफीम का बहुत ज्यादा चलन है, बल्कि तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको गुट्टी भी पहले अमल से ही दी जाती थी। तो ये धीरे धीरे काफी एजुकेशन के हिसाब से इफेक्ट आया है, कमी हुई है, लेकिन आपने जो विजन लिया है, आप अपने जो टाउन ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज को खत्म करने का एक मिशन लेके चल रहे हैं, आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आप इसको नशे को थोड़ा मतलब जितना कोशिश हो सकेगी अपने रहते जीवन में आप उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और देखिए एक से एक कड़ी बनता है और चेन बन जाएगी और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो चीजें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होके एक समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे आप, ऐसे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, और लगता नहीं है कि हमने आधा घंटा पास ऑन कर दिया है आपने बातचीत में ही, और इतना लंबा टाइम हमारा निकल गया है। तो संपत भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें? यस, देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैंने आपको इसी सेशन में पहले ही बताया है कि आपको अपने आप पे बिलीव करना रहेगा। आप नो डाउट ज्यादा नहीं पढ़े हुए, यहाँ पे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, आप प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट की मैं बात करूंगा, मेरे गांव राजस्थान में अभी 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक मतलब बकरी चराने वाला ग्वाला होता ना, उसने 86 लाख ड्रीम 11 पे प्राइज जीता है, जो कि बकरियां चराता है। ओके, ये देखिए, हालांकि ये मैं हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से ये नहीं कहते कि आप ड्रीम 11 को खेलिए, नो, लेकिन ये मैं बात इसलिए रख रहा हूं कि आदमी अगर प्रैक्टिस करे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो आप दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे रेखा जी है, रेखा जी एक वाकई में इनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो ये हमेशा से लेडीज के लिए बहुत कुछ कर मतलब करती भी रहती है और किया भी है, और इन्होंने काफी लेडीज के लिए इवेंट भी किए, मुझे भी मौका मिला। तो दोस्तों, आपको अगर अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। आपके पास संसाधन छोटे हो, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, आपका घर कच्चा है, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर ही है, आप उनका भरपूर यूज कीजिए, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो एक दिन कभी भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। यस मैम, करेक्ट करेक्ट। तो देखा भी वैसे आपने, संपत भाई ने हमको कितनी सारी बातें बताई और कितनी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीजें उन्होंने एड ऑन करके स्टोरी के माध्यम से भी, किसी की लाइफ स्टोरी के माध्यम से भी हमें ये सिखाने का प्रयास किया है कि अगर सस्टेनेबल रहना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है,
विजन क्लियर रखना है और साथ में जो भी आपने लक्ष्य ले लिया है उस पे पैशनेट रहना है और उस पे अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना है। किसी के कुछ भी कह देने से उस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये उनका एक बहुत ही शानदार विजन मिशन आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो थैंक यू सो मच संपत भाई, आपने हमें इतना कीमती समय अपना दिया और हमारी सीरीज में पहला कदम रखने के लिए स्पेशली मुझे मोटिवेट किया, मेरे को हौसला दिया और मेरे इस मिशन के लिए जो मैं एक लेकर के चल रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे उन लोगों को एक मौका मिले कि वो कैसे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर एक ग्वाला इतनी बड़ी रकम जीत सकता है कंसिस्टेंसी प्ले करके और खेल करके, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक बेहतरीन विजन के साथ में मिशन ले करके कंसिस्टेंट रह करके उस चीज को इम्प्लीमेंट करके उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां आज हमारे टीम लीडर जिन्होंने बताया कि उनकी कितनी बड़ी बड़ी टीम है और वो किस किस मुकाम पे हैं। 19 से लगाकर, अगर सिर्फ उनकी लाइफ जर्नी 2019 से लगा करके अब तक की हम देखें तो उन्होंने जो स्ट्रगल, जो हर्डल्स लिए हैं उसके बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई है और बड़े बड़े उन्होंने दोस्त बनाए हैं, भले वो यूएस से हो, भले वो और भी किसी कंट्री से हो, दुबई से हो, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स अपने बना लिए हैं जो उनके सर्कल में हैं और कभी भी वो उनसे बातचीत भी कर लेते हैं और बिंदास बातचीत करते हैं, ये इनकी खासियत है। और ये इतना सर्च और रिसर्च कर लेते हैं कि फटाफट से सारी चीजों को निकाल करके सामने रख देते हैं, बट ये इतने हम्बल भी हैं कि ये कोई भी इनसे थोड़ा सा हेल्प मांगे तो ये 1% अगर कोई मांगेगा तो उसको 100% दे देते हैं। ये इनका बहुत प्यारा नेचर है। तो संपत भाई, आपसे बात करके, आपकी लाइफ जर्नी को जान करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज में लर्निंग विद आई फेलियर टू सक्सेस में हमारे व्यूअर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो आपकी लाइफ स्ट्री को देखते हुए, आपके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ खड़ा रखेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली ऑन पैसिव, वो किसी भी फील्ड में हो अपने आप को सस्टेन रखने के लिए वो प्रयास करेंगे जो आज हमारे संपत भाई ने बताया। तो थैंक यू सो मच संपत भाई, आपने अपना इतना कीमती समय दे करके हमें अनुग्रहित किया। थैंक यू।